गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑनलाइन क्लास। हम लोगों ने कल चैप्टर 3 पढ़ा था, जिसमें कई सारी चीज़ें बताई गई थी इलेक्शन से रिलेटेड, और पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है, कैसे MPs इलेक्ट होते हैं, इलेक्शन किस टाइप में होता है, रोल क्या होता है पार्लियामेंट का, कितने पार्ट होते हैं, कितने हाउस होते हैं, उसके अपर हाउस कौन सा होता है, लोअर हाउस कौन सा होता है, इलेक्टेड मेंबर्स किस तरह आते हैं, पार्टीज़ कितनी क्या होती हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। चलिए आज एक रिज़ल्ट और देखते हैं। पहले कल हम लोगों ने 16th लोकसभा इलेक्शन का रिज़ल्ट देखा था, जो 2014 में हुआ था और BJP हमारी विनर रही थी। आज हम लोग एक रिज़ल्ट देखते हैं 15th लोकसभा इलेक्शन का, जो 2009 में हुआ था, और इसमें कौन विनर था आगे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। रिजल्ट ऑफ 15 लोकसभा इलेक्शन मई 2009। पॉलिटिकल पार्टी और MPs, नेशनल पार्टी में बहुजन समाज पार्टी थी 21, भारतीय जनता पार्टी 116, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 4, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्केट 16, इंडियन नेशनल कांग्रेस 2006, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 9, राष्ट्रीय जनता दल 4। अभी तक जितने हम लोगों ने देख लिए नेशनलिस्ट पार्टीज़ में, उसमें सबसे ज़्यादा वोट जो हैं वो नेशनल कांग्रेस के हैं, और सेकंड नंबर पे भारतीय जनता पार्टी, तो ये दोनों के अपोज में एक दूसरे के रहीं। द स्टेट पार्टीज़ ऑल इंडिया अन्ना DMK 9, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 2, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 19, बीजू जनता दल 14, द्रविड़ मुनेत्र कंजंगम 18, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 3, जनता दल 3, जनता दल यूनाइटेड 20, झारखंड मुक्ति मोर्चा 2, मुस्लिम लीग केरला स्टेट कमेटी 2, रिवोल्यूशनरी सोसाइटी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी 2, समाजवादी पार्टी 23, शिरोमणि अकाली दल 4, शिवसेना 11, तेलंगाना राष्ट्र समिति 2, तेलुगु देशम 6, अदर रीजनल 6, रजिस्टर्ड अनरिकोगनाइज पार्टीज 12 और इंडिपेंडेंट्स 9, ग्रैंड टोटल 543। तो नीचे तो कोई खास वोट है ही नहीं, जो मेन वोट्स थे वो हमारे 206 जो नेशनल कांग्रेस पार्टी को मिले थे और 116 भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। तो अपोजिशन पार्टी हो गई भारतीय जनता पार्टी, और मेन पार्टी हो गई या रूलिंग पार्टी हो गई कांग्रेस। तो आगे देखते हैं, दिया है वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MPs, दीज MPs टुगेदर मेक अप पार्लियामेंट, वंस इलेक्शन टू द पार्लियामेंट हैव टेकन द पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। ये जो MPs एक बार इलेक्ट हो जाने के बाद, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं, और इन्हीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिलकर हमारी पार्लियामेंट बनती है। कह रहे हैं वंस इलेक्शन टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस, एक बार इलेक्शन हो जाने के बाद पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट नीड्स द परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। पार्लियामेंट्स को कई सारे फंक्शन करने की ज़रूरत होती है। फर्स्ट नंबर दिया टू इलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, अपनी सरकार के चुनाव की ज़रूरत। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट द राज्यसभा एंड द लोकसभा। इंडिया की पार्लियामेंट में राष्ट्रपति और उसके दो पार्ट राज्यसभा और लोकसभा हैं। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी MPs बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। लोकसभा के इलेक्शन होने के बाद ये शो किया जाता है कि किस पार्टी से कितने MP जीते हैं। फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव अ मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड MPs, और वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाती है जिसके ज़्यादा संख्या में MP होते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड प्लस 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड मेंबर इन लोकसभा, 543 का इलेक्शन होता है और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं जो कि लोकसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट की साइड से। टू हैव अ मेजोरिटी अ पार्टी शुड हैव द लीस्ट हाफ द नंबर 272 मेंबर्स और मोर। और किसी भी पार्टी को मेजोरिटी में आने के लिए आधे से ज़्यादा नंबर चाहिए है, मतलब 272 मेंबर्स से ज़्यादा हों
तब वो पार्टी आ सकती है मेजोरिटी में। द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज़ फॉर्म्ड बाई ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज डैट अपोज द मेजोरिटी पार्टी कॉलिशन फॉर्म्ड। अगर जो पार्लियामेंट में मेजोरिटी वाला दल होता है या कॉलिशन मीन्स गठबंधन, गठबंधन का मतलब बहुत सारे ग्रुप एक साथ मिल के जो सरकार बनाते हैं, गठबंधन का विरोध करने वाले सभी जितने दल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपोजिशन वाले दल कहलाते हैं, अपोजिशन वाले पार्टी कहलाती है। मतलब गठबंधन जो पार्टी हमारी मेजोरिटी में है, अगर वो मेजोरिटी में आ गई तब तो उसके अपोजिट में जो है वो तो है ही अपोजिशन। और अगर उस पार्टी के पूरे जैसे 272 किसी के नहीं थे, कांग्रेस के भी नहीं थे, 206 थे, लेकिन वो अदर जितनी भी पार्टीज थी सबसे अगर गठबंधन कर लेती तो उसके 272 के ऊपर पहुंच जाते। और ऐसी कंडीशन में क्या होता कि गठबंधन की सरकार बन जाती है, तो इस गठबंधन का भी जो अपोज करेगी वो भारतीय जनता पार्टी उस टाइम पे कर रही थी, क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा वोट थे तो वो अपोजिशन पार्टी हो गई थी। द लार्जेस्ट एमंगेस्ट दिस पार्टी इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। और ये जितनी भी गठबंधन का विरोध करने वाली जो पार्टी होती है, सबसे बड़ी पार्टी जो होती है वो अपोजिशन पार्टी कहलाती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लोकसभा इज़ टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। हमारी लोकसभा का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो अपने एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करना है। द एग्जीक्यूटिव एज यू रीड इन चैप्टर फर्स्ट इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क टूगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा ही है कि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो कई सारे पर्सन्स का ग्रुप होता है जो मिल के, जिनका काम होता है कि मिल के वो लोग लॉ को इम्प्लीमेंट कराते हैं, मतलब लागू कराते हैं, जो लॉ पार्लियामेंट के थ्रू बनाए जाते हैं उनको लागू कराने का काम होता है। दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज़ द टर्म गवर्नमेंट। और जब हम सरकार गवर्नमेंट वर्ड का या सरकार वर्ड का यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में अक्सर यही जो एग्जीक्यूटिव होती है यही आती है, क्योंकि सरकार जो काम करती है वो हमारी एग्जीक्यूटिव करती है, तो ये इसी एग्जीक्यूटिव के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो रूलिंग पार्टी, लोकसभा की रूलिंग पार्टी का लीडर होता है, मेन नेता होता है। फ्रॉम द MPs हु बिलोंग टू हर पार्टी द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट मिनिस्टर टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजन। और जो MP उसकी पार्टी से बिलोंग करते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करता है कि उनमें से किसको मिनिस्टर बनाना है और क्या क्या उसके लिए डिसीजंस लेना है, उन अपने फैसलों को भी वो इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है। दीज मिनिस्टर देन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग लाइक हेल्थ एजुकेशन फाइनेंस etc। और तब वो जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो अपना अपना चार्ज जिम्मेदारी लेते हैं डिफरेंट अलग अलग गवर्नमेंट के अलग अलग क्षेत्र में काम करने की, जैसे चाहे वो हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो या फाइनेंस का हो। फिर दिया है ऑफन टाइम्स इन द रिसेंट पास्ट इट हैज़ बीन डिफ़िकल्ट फॉर अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी टू गेट द मेजोरिटी डैट इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ऑफन टाइम मतलब अभी लेटेस्ट के ही कई सालों में काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि कोई भी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को जो मेजोरिटी नहीं मिल पाई थी और सरकार बनाना फिर भी बहुत ज़रूरी होता था। मतलब इट हैज़ बीन डिफ़िकल्ट फॉर अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, ये किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए मुश्किल होता था टू गेट द मेजोरिटी, कि वो मेजोरिटी में आ पाए, डैट इज़ फिर भी सरकार बनाना ज़रूरी होता था। जैसे कांग्रेस थी, ना कांग्रेस थी ना BJP थी और बाकी तो कोई पार्टी थी नहीं, ऐसे ही बहुत बार होता रहा कि गठबंधन की सरकार बनती रही। तो दे देन ज्वाइन टुगेदर विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर कंसर्न टू फॉर्म व्हाट इज़ नोन एज कॉलिशन गवर्नमेंट। दे तो उस टाइम पे क्या होता है, देन ज्वाइन टुगेदर वो एक दूसरे को जो पार्टीज़ जिनकी जिनके मुद्दे एक होते हैं, जो एक तरीके से जिनके विचार मिल रहे होते हैं, जो एक तरीके से वर्क करना चाहती हैं, वो पार्टियां आपस में मिल जाती हैं। दिया है हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर कंसर्न, जो समान चीज़ों पे लेके जिनकी चिंताएँ और चीज़ें समान होती हैं वो मिल जाती हैं एक दूसरे के साथ और तब रूलिंग पार्टी बनाती हैं, तो ये क्या होती है, कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार कहलाती है।
आगे फिर से पिक्चर्स दी हैं, देखो एक पिक्चर ये दी है और एक पिक्चर ये दी है। आगे देखते हैं दीज टू बिल्डिंग ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटरीट, ये दो बिल्डिंग दी हैं जो कि सेक्रेटरीट बोलते हैं, सेंट्रल मीन्स केंद्र का और सेक्रेटरीट सचिवालय। तो द साउथ ब्लॉक एंड नॉर्थ ब्लॉक वर बिल्ड ड्यूरिंग द 1930, इसका साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक दोनों 1930 के टाइम पे बनवाया गया। द फोटो ऑन द लेफ्ट इज द साउथ ब्लॉक, जो लेफ्ट में फ़ोटो है वो साउथ ब्लॉक की है, विच हाउस द पीएम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पीएमओ है यहाँ पे जो साउथ ब्लॉक है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी इसी में है। फिर द नॉर्थ ब्लॉक इज़ फोटो ऑन द राइट, और राइट साइड वाली फ़ोटो में नॉर्थ ब्लॉक है, एंड दिस हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। द अदर मिनिस्टर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन वेरियस बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली, और जो बाकी के मिनिस्टर हैं वो भी अलग अलग कई बिल्डिंगों में न्यू दिल्ली में ही रहते हैं। द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरीली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन पार्लियामेंट, राज्यसभा का जो राज्यसभा मेन रूप से हमारी कंट्री के स्टेट्स के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करती है। द राज्यसभा कैन आल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड अ बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ, और राज्यसभा में कोई भी कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है, मतलब इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड बिल इज़ रिक्वायर्ड टू पास, मतलब कोई भी कानून बनाने का प्रस्ताव पास कर सकती है, पेश कर सकती है, और किसी भी विधेयक को कानून का मतलब कानून बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि उसे राज्यसभा से मंजूरी मिल चुकी हो। कोई भी बिल है उसको अगर कानून बनाना है तो कानून बनाने के पहले बिल बनाया जाता है, तो उस बिल को अगर कानून का रूप देना है कि ये कानून बन गया है, जब तक वो कानून नहीं बनता तब तक वो बिल कहलाता है, तो जब तक वो कानून बन गया है तो उसके लिए राज्यसभा की भी मंजूरी होना ज़रूरी होती है। इट देयरफोर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड अल्टरिंग इफ अल्टरनेशन आर नीडेड द लॉ इनिशिएट बाय द लोकसभा, इट देयरफोर इस तरीके से जो राज्यसभा है उसकी बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब रोल होता है, ये पार्लियामेंट के जितने भी मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं रिव्यूइंग एंड अल्टरिंग, कि अगर किसी भी कानून को रिव्यू मींस उसको दोबारा से देखना, उसका जांच परीक्षण करना, और अल्टरिंग का मतलब उसमें कोई चेंजमेंट होना है, चेंज दिया है इफ़ अल्ट्रेशन आर नीडेड, अगर कोई चेंजमेंट की ज़रूरत है उस कानून में तो उसको वापस लोकसभा के पास भेज सकती है। द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट्स, जो राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं वो अलग अलग स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उनके थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं। देयर आर 223 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और 233 इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, जैसे उसमें 543 आते थे और 2 मेंबर्स आते थे प्रेसिडेंट के साइड से, इसमें 12 मेंबर आते हैं। तो ये ध्यान रखना कि टोटल मेंबर लोकसभा में 545 होते हैं, जिसमें 543 इलेक्ट किए जाते हैं और 2 मेंबर्स हमारे नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट से। इसमें 245 होते हैं टोटल मेंबर, और 245 में 233 हमारे इलेक्टेड होते हैं और 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड किया जाते हैं प्रेसिडेंट की साइड से। सेकंड वर्क किसका है, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, गाइड मींस उसको मार्गदर्शन करना, सही चीज़ों का दिखाना, एंड इन्फॉर्म और किसी भी चीज़ की जानकारी देना। द पार्लियामेंट वायलेंस सेशन बिगिन विद अ क्वेश्चन आवर, द क्वेश्चन आवर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच एम पीज कैन इलिसिएट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द
गवर्नमेंट। जब पार्लियामेंट में सेशन चल रहा होता है, क्वेश्चन आवर वाला सेशन स्टार्ट होता है, तो द क्वेश्चन आवर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म। क्वेश्चन आवर एक इम्पॉर्टेंट, हम लोग बोल सकते हैं व्यवस्था है, मैकेनिज्म व्यवस्था है, थ्रू विद जिसके थ्रू जो एमपी हैं वो सरकार के किसी भी काम की जानकारी, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है जिसके थ्रू हमारी एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट को कंट्रोल करके रखती है। बाई आस्किंग क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इज़ अलर्टेड टू its shortcomings and also comes to know the opinion of the people through their representative in parliament, the MPs. By asking questions, questions को पूछने के माध्यम से government उनको उन कमियों के लिए भी alert किया जाता है। शॉर्ट कमिंग्स बोलते हैं कमियाँ, और alert करना alert कर देगा उनकी government को, उसकी कमियों के लिए भी alert किया जाता है। और साथ ही ये government को जो जनता के प्रतिनिधि हैं, हम लोग बोलते हैं MPs, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, तो MPs के जरिए जनता की राय जानने का भी मौका मिलता है, जनता की ओपिनियन, पीपल के ओपिनियन जानने का। एंड आल्सो कम टू नो मतलब वो जान पाती है ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं वो सरकार क्या काम कर रही है वो एक, हम तो लोग ये समझ लो कि जनता और सरकार के बीच के मीडियम होते हैं, क्योंकि जनता उनको चुनती है और वो सरकार को, तो वो सरकार से सवाल पूछ सकते हैं और जनता उनसे सवाल करती है, तो वो जनता के सवालों को सरकार तक भी पहुँचाते हैं। आस्किंग क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ अ क्रूशल टास्क फॉर एवरी MP। आस्किंग क्वेश्चन, सरकार से सवाल पूछना हर MP सांसद की बहुत इम्पॉर्टेंट, क्रूशियल मीन्स इम्पॉर्टेंट रोल होता है, इस इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, जिम्मेदारी होती है। द अपोजिशन पार्टी प्ले अ क्रूशियल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में एक अच्छा हेल्दी फंक्शनिंग में अच्छा कार्य संचालन का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपोजिशन पार्टी, विपक्षी दल। दे हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड मोबाइलीज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज। दे हाईलाइट ड्रॉबैक, वे सरकार की नीत वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, वे और ड्रॉबैक बोलेंगे कमियाँ, वो सरकार की अलग अलग पॉलिसी और प्रोग्राम की कमियों को हाईलाइट करते हैं, उजागर करते, सामने लाते हैं। एंड मोबाइलिस पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज़, और अपनी नीतियों के समर्थन के लिए, सपोर्ट के लिए एकजुटता मतलब समर्थन जुटाते हैं। मोबाइलिस पॉपुलर मतलब समर्थन दिखाना, समर्थन सपोर्ट के लिए, सहायता के लिए समर्थन दिखाते हैं। दिन दिया है, द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन आस्क्ड इन द पार्लियामेंट। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पार्लियामेंट में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोकसभा अनस्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 2007, आंसर नंबर 30/11/2007। मतलब एक क्वेश्चन था 2007 का, उस डेट थी 30 नवंबर 2007 वाली। जंक फूड इन स्कूल, स्कूल में जंक फूड का मैटर है 2007। श्री सलार पट्टी कुप्पू समय करवन थन, विल द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बी प्लीज टू स्टेट। और ये जो किससे पूछा जा रहा है, चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो मिनिस्टर हैं उनसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट नंबर है, वेदर द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट हैज आस्क्ड ऑल स्टेट्स गवर्नमेंट टू बैन जंक फूड इन स्कूल एंड आल्सो फॉर सेटिंग अप टू न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स। क्या नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के स्कूल्स में जंक फूड पर बैन लगा दिया और न्यूट्रिशन से युक्त जो खाना देना था उसके बारे में, उसको डेवलप करने के बारे में भी कहा है?
तो बी नंबर है इफ़ सो द डिटेल्स, देयरफॉर अगर किया है तो उसकी हमें डिटेल्स चाहिए हैं। सी नंबर है वेदर द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ इंश्योर्ड द कंप्लायंस ऑफ द एवव स्टैंडर्ड्स बाय द स्टेट एंड क्या एवव गवर्नमेंट मतलब यूनियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार ने राज्यों द्वारा निश्चित चीज़ों को ये ऊपर दी हुई चीज़ों को मानने के लिए कुछ निश्चित किया है, कुछ सुनिश्चित किया है। डी नंबर है इफ़ सो द डिटेल्स देयर फॉर और अगर किया है तो उसका भी डिटेल हमें चाहिए। अब आंसर मिलता है द मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ही आंसर देती हैं ए एंड बी दोनों का नो सर कि नहीं। ए लेटर वॉज इश्यूड टू द स्टेट्स बाई नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स टू कंसिडर प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस टू स्कूल टू क्रिएट अ स्कूल न्यूट्रिशन पॉलिसी। नहीं, जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है उसने सारे स्टेट्स को एक लेटर भेज कर उनसे कहा है कि अपने अपने स्कूल्स में न्यूट्रिशन वाली पॉलिसी को तैयार करें और उसके बाद स्कूल्स में सारी गाइडलाइंस को जारी करने के बारे में विचार करें। सी एंड डी डज नॉट अराइज जब उन्होंने सीधे जवाब ही दे दिया नहीं तो सी और डी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। दिया है इन द एवब क्वेश्चन व्हाट इंफॉर्मेशन इज बीइंग सॉट फ्रॉम मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ऊपर जो क्वेश्चन है उसके थ्रू मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से क्या जानकारी मांगी गई थी। इफ़ यू वर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिस्ट टू क्वेश्चन डैट यू वुड लाइक टू आस्क। अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते तो आप दो कौन से सवाल पूछना चाहते। दिया है द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक एंड इज केप्ट ऑन इट्स टोज बाय द क्वेश्चन asked by the MPs. जो MPs हैं MPs के क्वेश्चंस को गवर्नमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट फीडबैक वैल्यूएबल इम्पॉर्टेंट मतलब जिसकी कीमत होती है कीमती फीडबैक मानती है। इसके चलते सरकार क्या रहती है बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। इन एडिशन इन ऑल मैटर्स डीलिंग विथ फाइनेंस द पार्लियामेंट्स अप्रूवल इन क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट। इसके अलावा चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड कोई भी मैटर हो सभी मैटर्स में पार्लियामेंट की मंजूरी सरकार के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अप्रूवल मंजूरी दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वे इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल गाइड्स एंड इन्फॉर्म्स द गवर्नमेंट। और इन्हीं कई सारे तरीकों के थ्रू जो पार्लियामेंट होती है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है गाइड करती है और इन्फॉर्म भी करती है। द MPs एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हैव अ सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट एंड दिस इज़ अ की एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। द MPs एज रिप्रेजेंटेटिव जो MPs हैं रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वो ऑफ द लोगों के हैव अ सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग उनका रोल वो इम्पॉर्टेंट रोल होता है कंट्रोल करने में गाइड करने में और इन्फॉर्म करने में पार्लियामेंट को एंड दिस इज़ अ की एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग और ये हमारे इंडियन डेमोक्रेसी की फंक्शन के एक मेन की एस्पेक्ट भी होते हैं। आगे दिया है सी नंबर लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग इज़ अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। वी शैल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। दिया है हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के में कौन लोग होते हैं। पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मोर रूरल मेम्बर्स एज आल्सो मेंबर फ्रॉम मैनी रीजनल पार्टीज। उसमें बहुत सारे रूरल मेंबर्स भी होते हैं जो रीजनल पार्टी से भी बिलोंग करते हैं और बहुत सारे रीजनल पार्टी के मेंबर्स भी होते हैं। ग्रुप्स एंड पीपल्स डैट वर टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेड आर बिगनिंग टू गेट इलेक्टेड टू पार्लियामेंट। और जिन ग्रुप्स और लोगों ने अभी तक पार्लियामेंट में कोई भी अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं था वे भी चुनाव जीत के अब वहाँ पे पहुँचने लगे हैं वहाँ पे आना शुरू कर दिया है।
देयर हैज़ आल्सो बीन एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्राम द दलित एंड बैकवर्ड क्लासेस. देयर हैज़ आल्सो और यहाँ पर अब दलित और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का भी प्रौद्योगिकी भी हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है. लेट अस लुक एट द फॉलोइंग टेबल डैट शोज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हु वोटेड इन लोकसभा इलेक्शन इन डिफरेंट ईयर. और अब हम लोग अलग अलग साल के लोकसभा इलेक्शन में कितने क्या परसेंट वोट मिले थे उस टाइप को देखेंगे. दिया है फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन 1951 से 52 ओनली 61.16% वोट मिला था. फोर्थ लोकसभा इलेक्शन 1967 में जो थी उसमें 31 से 33 पॉइंट में कुछ इंक्रीमेंट हुआ था. फिफ्थ में 1971 में हुई थी उसमें कम हो गई थी परसेंटेज. 55.29% पीपल ने ही वोट दिया था. सिक्स्थ हुई थी 1977 में तो 60.49 फिर से इंक्रीमेंट हुआ. एट्थ 84 से 85 में हुई थी तो 64.01 अब फिर से इंक्रीमेंट हुआ. टेंथ जब हुई 91 से 92 में फिर कम हुआ. फोर्टीनथ में फिर से बढ़ा 2004 में हुई. 2009 में हुई फिर इंक्रीमेंट हुआ. और 16 में 66 मतलब जो 16th लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने वोट डाले थे. आगे देखते हैं. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोड्यूस अ प्रेफर रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी. देखने में हम लोग ये कह सकते हैं अगर ऑब्जर्व मीन्स निरीक्षण किया है कि इसके आधार पर डेट रिप्रेजेंटेटिव जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के हैं वो अपनी सोसाइटी को पूरे तरीके से सही से ये रिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहे हैं. देयर इज़ अ रिले सेशन डैट वेन इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस सेपरेट अस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर डैट कम्युनिटीज दैट हैव बीन हिस्टोरिकली मजलाइज आर गिवन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन. और एक बात साफ तरीके से हमें दिख रही है कि हमारे जो एक्सपीरियंस हैं हमारे जो इंटरेस्ट हैं इंटरेस्ट का मतलब हमारा लगाव हमारा हित उसका अलग अलग जो एक्सपीरियंस है उससे कोई सी भी ग्रुप किसी भी कम्युनिटी के पीपल सब आवाज सबके हिस्से की सबके बारे में सोच के आवाज़ नहीं उठा सकते हैं. गिवन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मतलब सही रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हैं. विद दिस इन माइंड और इस बात को ध्यान में रखते हुए सम सीट्स आर रिजर्व इन पार्लियामेंट फॉर एससीज एंड एसटी. कुछ सीटें पार्लियामेंट में एससी और एसटी लोगों के लिए रिजर्व कर दी गई. दिस हैज़ बीन डन सो डैट द एमपी इलेक्ट फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल बी फैमिलियर विद एंड कैन रिप्रेजेंट दलित एंड आदिवासी इंटरेस्ट इन पार्लियामेंट. जिससे कि एससी मतलब जो इलेक्शन का क्षेत्र है उसमें के दलित और आदिवासी जो उम्मीदवार हैं वो भी जीतें और संसद में उनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए. और सिमिलर इट हैज़ मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन. और इसी तरीके से जो वुमेन की सीट को रिजर्व करने के लिए भी अपना एक सजेशन दिया गया. दिस इशू इज़ स्टिल बीइंग डिबेट और इस इशू पे अभी भी बहस जारी है. 60 साल पहले ओनली 4% ऑफ एमपीज वर वुमेन. केवल 4% एमपी ही वुमेन होती थी एंड टुडे इट इज़ जस्ट अबव 9%. आज ये संख्या बढ़ के 9% हो गई है. This is a small share when you consider the fact that half the population are women. और जबकि ये हम लोग ये देखें कि ये आधी जनसंख्या हमारी वुमेन्स की है उसके बाद भी कितनी कम संख्या में औरतें इस जगह पे आ पा रही हैं. यार देखो कुछ वुमेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स की फ़ोटोज़ दी है. व्हाई डू यू थिंक देयर आर सो फ्यू वुमेन इन पार्लियामेंट. क्या आप सोच सकते हैं कि पार्लियामेंट में इतनी कम महिलाएँ क्यों हैं. फिर दिया है इट इज़ इशू ऑफ दिस काइंड डैट फोर्स द कंट्री टू आस्क सर्टेन डिफिकल्ट एंड ऑफन अनरिजॉल्व क्वेश्चन अबाउट वेदर आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम इज रिप्रेजेंटेटिव इनफ. इसी तरीके के कई सारे मुद्दों की वजह से कई सारे इशूज़ की वजह से आज हमारे कंट्री में बहुत सारी कुछ डिफ़िकल्टी सर्टेन निश्चित डिफ़िकल्टीज हैं और कुछ अनरिजॉल्व मीन्स बिना सुलझे हुए क्वेश्चंस हैं जिनके जो कि हमारी
जिनसे हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो सच में जूझ रहा है. द फैक्ट डैट वी कैन आस्क दीज रिक्वेस्चन एंड आर वर्किंग टूवर्ड्स आंसर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड द फेथ दैट पीपल इन इंडिया हैव इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. और हम ये सिर्फ इस क्वेश्चन के का आंसर ही नहीं पूछ सकते, क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकते, बल्कि इस जवाब को भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बात है, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की पावर और उसके मतलब उसकी स्ट्रेंथ और उसके विश्वास लोगों की, मतलब अगर जितने कम लोग होंगे उससे ये समझ में आता है कि लोगों का विश्वास और उनकी ताकत गवर्नमेंट के प्रति कितनी कम है, और नंबर बढ़ रही है तो उससे समझ में आता है कि लोगों को विश्वास है गवर्नमेंट के प्रति और वो उन पर काम करने पर भरोसा रखते हैं, उनकी ताकत बनना चाहते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज पार्लियामेंट के चैप्टर में देखी कि किस तरीके से MPs चुने जाते हैं, किस तरीके से अपना वर्क करते हैं, कितने फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें. चैप्टर यहीं से एंड होता है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.